मॉर्निंग क्लास प्रीवियस क्लास रे देखिले मेंस्ट्रुअल साइकिल मु बेसिक कहि दिजे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग हुए त कोन कह जाय त कहै छ महिना आउ जोटा एंड हुए जो है रे जोटा कि नॉर्मली 50 इयर्स है त कोन कह जाय मेनोपॉज कोन कह जाय मेनोपॉज मेना एंड मेनोपॉज मेना कोन कह जाय जोटा इज एज ऑफ प्यूबर्टी नॉर्मली 12 टू 13 बट ये वेरी करे एंति नाही जे केवल एज रे हुए बहुत पिला कर 11 और 14 एमसी भी हो जाए कहार ठीक पछे ही हुए कहार ठीक आगे की भी हो जाए मेनोपॉज नॉर्मली का लिया जाए 50 इयर्स बट आज के डॉक्टर मन को जैसे इट्स कैन बी स्टॉप इन 40 इयर्स और 35 इयर्स ठीक है तो मेनोपॉज और मेना कोई दे तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को ग्रुप रे दिखाई दिया लॉन्ग सॉरी मामा मामालिया क्लास रे मामालिया क्लास रे को से दिखाई था प्राइमेट्स से को मान को दिखाई थी प्राइमेट का प्राइमेट्स को ठीक अछि जोटा की एग्जांपल कोन छला मंकी ए औ ह्यूमन ए मान कर फीमेल रे दिखा जाए को मान कर देखा जाए फीमेल रे दिखा जाए ठीक अछि एदि के तो क्लियर हे थू देन माटी पहुंचे फीमेल बॉडी जानी न थाए फीमेल बॉडी एते सब कथा जान न थाए फीमेल बॉडी कोन करे
फीमेल इधर एक्चुअली ओवर जो प्रोडक्शन है ना, ये जो प्रोडक्शन है ना, ये प्रोडक्शन फेज हो जो ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन फेज में कौन हुए ओव्यूल ऐसे है ना, ओव्यूल प्रोडक्शन है ना, बट फॉलिकुलर फेज में कौन हुए मुकोई थी माने करा प्यूबर्टी हिट कला प्यूबर्टी इज कोड 12 टू 13 ए प्यूबर्टी इज देन नॉर्मली कौन हैला हाइपोथैलेमस रु गोनाड्रोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हैला हाइपोथैलेमस रु कौन हैला जीएनआरएच हार्मोन देन इट कौन हैला पिट्यूटरी या तले कौन अछि पिट्यूटरी मु देखै थी एम थी नेक्स्ट पिट्यूटरी तो पिट्यूटरी रु कौन प्रोडक्शन हो एलएच हो एफएसएच एफएसएच कौन ए एलएच हो छि ल्यूटिनाइजिंग एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एफएसएच कौन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये कौन करे नहीं जो ओवरी रे ओवरी रे सब ये जी कौन सब ये वाला सब फॉलिकल्स हैं चंदी नोटिस चार पटे सब फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं नोटिस ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करे ना जब तक हाइपोथैलेमस गोनाड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज है ला देन ऐसे कौन करी बस ये पिट्यूटरी देन पिट्यूटरी रू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच ही होगा एफएस कौन एफएसएच ऐसे कौन करी बस ऐड करी बस ओवरी एफएसएच ऐसे कौन ही क्रेड करी बस ओवरी ओवरी कौन ऐड करे ओवरी ऐड करे ओवरी जो ओवरियन फॉलिकल्स रहिला प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो एक एटा हार्मोन रो काम कोन ई जो ओव्यूम प्रोडक्शन हे गला बर्तन एक तक प्रोडक्शन हे गला बर्तन ये कोन करबो ना से एक रो डेवलपमेंट पे ट्राई करबो बॉडी जानिनी बॉडी कोन मने मने भाबी के रखी छी हां एक तक प्रोडक्शन हे जाई छी स्पर्म आसीबो फर्टिलाइज हबो बेबी कैरी करबो बट एते सब तो हुए नी तो एक कॉर्पस रूटीन से टाइम रे कोन करे बहुत दिन जाय अपेक्षा करे फर्स्ट से 7 डेज वेट करबो कोन करबो फर्स्ट से 7 डेज वेट करबो ए जो 7 डेज वेट करबो सेई टाइम रे कोन होबो ना इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रो सिक्रेशन ला एकदम हाई हो जियो कोन हो जियो एकदम हाई हो जियो काहे कि ना ये को पढ़वा के चेष्टा करबो ना एक अछि स्पर्म आसीबो फर्टिलाइजेशन होबो बेबी कैरी करबो तो सब भाबी कि से कोन करे 7 डेज जा वेट करे फुनी अगेन से आउ 7 डेज वेट करे कोन करे आउ 7 डेज वेट करे तो एते दिन जब जने वेट करिवो एक कॉर्पस लोटियो को 7 डेज पर आउ 7 डेज मान टोटल 14 डेज जब से वेट करिवो ता परे कोन होबो धीरे धीरे एक कॉर्पस लोटियो एकदम डीजेनरेट हो जाए कौन हो जाए डीजेनरेट ए जो डीजेनरेट हो जाए ये कॉर्पस लोटियो जब तबड़े डीजेनरेट हो गला इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन भी कौन हो जाए लो हो जाए ये जो डीजेनरेट कर गला ना ए ग्राफ के फॉलिक जो हो जाए तापर ये जो डीजेनरेट कर गो तो देन में ठीक कौन हुए एंडोमेट्रियम को नष्ट करबा आरंभ करे ए जो रप्चर करी कि से वेजाइना दे कि बाहर को आसीबो कोन होबे ब्लीडिंग होय वेजाइना ब्लीडिंग होय तो देन कोन आरंभ होय जो ए जो ल्यूटियल फेस पर ल्यूटियल फेस कोन है कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट करियो ताले देन ल्यूटियल फेस पर को फेस आसीबो एके ब्लीडिंग फेस आसीबो तारे पुनी ओवी मासी कि एंडोमेट्रियम रप्चर करबो एंडोमेट्रियम रप्चर करी कि वेजाइना दे कि बाहर को से वो ब्लड तो ब्लीडिंग हुआ है अगेन तो अगेन लुटियल फेस पर पूरी को फेस कंटिन्यू हो जो मेंस्ट्रुअल फेस और ब्लीडिंग फेस बुझे गया तो ए फेस हो नहले ए फेस हो बुझे गया एति के एटा हो जे मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जी तो फर्स्ट है हमारा ब्लीडिंग फेस देन फॉलिकुलर फेस देन ओवुलेशन फेस रे ओव्यू प्रोडक्शन होला लुटियल फेस रे लुट गया कॉर्पस लुटियम लुट गया तो एकाथर सडन कोन होई छ कॉर्पस लुटियम बैठे डीजेनरेट कर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन ता एकदम डाउन होई छ डाउन हे गले कोन होबो ना ए जो ओव्यूम जो एग प्रोडक्शन होई तरा ता तो किछ काम नै लाग पर ना से धीरे धीरे डीजेनरेट कर आरंभ करबो से कोन करबो ना एंडोमेट्रियम को रप्चर करके ब्लीडिंग हिसाब रे वेजिनल ब्लीडिंग होबो बुझे ना तो ए जो साइकिल वंस गोटे दिन रो मेंस्ट्रुअल फेज गोटे मंथ रो मेंस्ट्रुअल फेज ब्लीडिंग फेज आरंभ होबा देन आउ गोटे मास रो देन नेक्स्ट मंथ रो आउ थरे ब्लीडिंग हुआ पर्यंत से साइकिल को कोन कहा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल कोन कहा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल बुझे गेलो एती कि थिला मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट क्लास रे मुई आ गोटे ग्राफ अछि पिला मन के कहुथले जे ग्राफ ता ठीक है मैडम बहुत कष्ट डायग्राम अच्छे बिल्कुल कष्ट डायग्राम नहीं नेक्स्ट क्लास में कौन करेंगे ओनली से ग्राफ तक ही तुमको ओनली से ग्राफ तक मुझे ताकि तुम माने एग्जाम में नीचे से ग्राफ तक इजीली कर पाए तो कौन हुए ए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ना ये केवल सेती के पर्यंत कंटिन्यू रे जते पर्यंत तुम बॉडी रे हम फीमेल बॉडी रे कौन हुए जते पर्यंत बेबी कंसीव हे जते बड़े ए जो यूटेरस रे जते बड़े ए यूटेरस रे जते बड़े ओव्यूम आसी की मतलब स्पर्म आसी की पहुंच गला फर्टिलाइजेशन हे गला सही गला पर जाइगोट का मतलब आसी की इठी इम्प्लांट हे जो देन ये बॉडी हो बेबी हे जो जते पर्यंत ए जो बेबी हे गला तापर एंडोमेट्रियम रप्चर होबार नहीं वेजिनल ब्लीडिंग होबार नहीं वेजिनल
जत्ते पर्यंत बेबी इथे कंसीव हेइनी जस्ट ओव्यूल उते पडे दिची बस स्पर्म असमाई आणि फर्टिलाइज होवा पाई सत पर्यंत कोण होवो एंडोमेट्रियम रप्चर होवो रप्चर देकी वजनल ब्लीडिंग हो बुझे गेलो त सेतिक दिन पर्यंत मेंस्ट्रुअल साइकल चालली थी जे दिन पर्यंत बेबी कंसीव हेइनी अगेन बेबी बाहेर गेला पोरे बेबी रो चाइल्ड बर्थ हेगला पोरे पुनी अगेन ए साइकल कंटिन्यू होवो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे मुसे ग्राफ ता बुझे गेलो तुमको ताकि तुम्हें एग्जाम में इजीली कर पाओ थैंक यू